आम किया जा रहा है, मनुष्यात आम किए जा रहे हैं और बदकिरदारी आम की जा रही है कि हर एक घर में बने आप लोग भी उसका हिस्सा बने, उस जुर्म का, उस गुनाह का, बदतरीन गुनाह का। इसलिए आप लोग सोचिए, आप इस जुल्म और जागराना सिस्टम का हिस्सा ना बनिए। मैं आपकी हमदर्दी की बात कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, इस गासबाना कब्जे के खिलाफ, इस जाबिराना कब्जे के खिलाफ, इस बेहयाई के कब्जे के खिलाफ। ये शराब आम की जा रही है, बदकारियां आम की जा रही हैं, यहाँ के लोगों को जुल्म किया जा रहा है, क्राइसिस पैदा की जा रही है और जगह जगह क्राइसिस, आइंदा भी क्राइसिस पैदा की जाएगी। आइंदा यहाँ गले की क्राइसिस पैदा की जाएगी और जम्मू के लोगों को कहा जाएगा कि नाकाबंदी करो, टनल के आगे कोई चीज़ न जाने दो। ये माहौल पैदा करेगा यहाँ हिंदुस्तान, सिर्फ इसलिए कि उसके साम्राज्य को भी आगे झुका जाए। लेकिन मेरी तरफ से आप अपने हाकिमों को भी कह दीजिए, दिल्ली के हुक्मरानों तक भी पैदा पैगाम पहुंचा दीजिए। एक आर्मी अफसर ने कहा है, कल ही एक जिम्मेदार हैसियत से मुझे इतला मिली है, उसने कहा है कि यहाँ सिर्फ 18 ये मुजाहिदीन हैं जो उनने मिलिटेंट कहा है, और ये जो कत्ल गारदगरी हो रही है गिलानी करवा रहा है। उनका मकसद ये है कि गिलानी को कत्ल करें, तहरीक हुर्रियत को उनके अपराध के जेलों में ठूंस दें। उनसे मेरा कहिए, पैगाम पहुंचा दीजिए कि गिलानी को आप कत्ल करें। अगर आपको यकीन है कि गिलानी के कत्ल से यहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ जद्दोजहद आज़ादी नहीं चलेगी, तो उसको बोले गिलानी को कत्ल करो और फिर तजुर्बा करो। गिलानी के कत्ल हो जाने के बाद यहाँ का एक एक जवान गिलानी बनेगा इंशाल्लाह, और वो हिंदुस्तान के उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक यहाँ हिंदुस्तान का एक भी फौजी इस मुकद्दस सरजमीन से पाक नहीं हो जाएगा और बाहर नहीं हो जाएगा। आप उनको दिल्ली वालों तक पैगाम पहुँचा दीजिए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, आपकी गिरफ्तारी की कोई बात नहीं।